नारकोटिक्स विंग मध्य प्रदेश पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा नशीली दवाओं के सेवन और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के दिन नेहरू स्टेडियम से एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। कहते हैं नशा लत नहीं एक बीमारी है। नशे की चपेट में आकर न केवल व्यक्ति का जीवन अंधकारमय हो जाता है बल्कि उस शख्स के परिवार को भी खामियाजा भुगतना पड़ता है। लिहाजा समाज को जागरूक करने के लिए नारकोटिक्स विंग मध्य प्रदेश पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा संयुक्त रूप से एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। जी 26 जून हर वर्ष की तरह इस बार भी हम अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस के रूप में मना रहे हैं और इस क्रम में हम एक सप्ताह लंबा कार्यक्रम चलाया जिसमें हमने केंद्रीय विद्यालय के बच्चों को ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन स्लोगन राइटिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करवाया और बच्चों ने बहुत अच्छा उसमें अपना योगदान दिया है। बाकी आज विशेषकर इस दिवस पर हमने एक रैली का आयोजन किया है जिसमें लगभग 1,500-2,000 लोग शामिल हुए, जिसमें NCC के लोग हैं, BSF के लोग हैं, केंद्रीय विद्यालय के बच्चे हैं जिनमें जोश से एकदम भरे हुए हैं और सबने मिलकर अच्छा एक मैसेज पास किया है पूरी सोसाइटी को कि जो ड्रग्स हैं वो सोसाइटी के लिए बहुत ही हार्मफुल। आज हम देख रहे हैं यूथ बहुत गलत लाइन में जा रहा है और वो अपनी प्रॉब्लम्स अपनी फैमिली से शेयर ना करके इन सब चीज़ों में लग जाते हैं या फिर उनका मन होता है कि एक बार ट्राई करके देखते हैं इन सब चीज़ों से क्या होता है एंड वो बहुत गलत संगत में जाते जा रहे हैं। तो हम ये मैसेज इसलिए फैलाना चाहते हैं कि लोग थोड़े से अवेयर हों कि हमें क्या करना चाहिए, नशा हमारी ज़िंदगी को कैसे बर्बाद कर रहा है धीरे धीरे और इन सब चीज़ों से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं। हम एयरविंग के कैडेट्स हैं और हम लोगों ने आज एक रैली निकाली जिसके अंदर हम लोग अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे थे एंड हमारा मेन मोटिव ये था कि बेसिकली यूथ बहुत ज़्यादा टेम्प्ट होता है इन सब चीज़ों के लिए क्योंकि ये कुछ मोमेंटरीली टाइम के लिए हमें फ्री कर देते हैं, लेकिन हमारा मेन मोटिव ये था कि हम लोग लोगों को अवेयर कर पाएँ कि ये सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आपको अच्छा कर सकते हैं लेकिन आगे जाके यही चीज़ें आपकी डिग्रेड करने के लिए बहुत ज़्यादा वो आपको कर देते हैं और फिर आपकी पूरी लाइफ ही ख़त्म हो जाती है। नशा समाज में जहर के रूप में फैल रहा है। वैसे तो शराब स्मैक के लोग ज़्यादा आदि हो रहे हैं लेकिन नशीली दवाएं अब ज़्यादा फैल रही हैं। विभिन्न प्रकार की नशीली दवाओं से लेकर नशे के इंजेक्शन बर्बादी का कारण बनते हैं। न केवल शरीर का नाश होता है बल्कि घर परिवार सब कुछ तबाह हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।